उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में 24 मार्च को समाधिस्थ शपक मुनिराज, मेरुभूषण जी महाराज और समाधिस्थ कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी को समर्पित विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान आगरा जैन समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। 24 मार्च को आगरा के हरि पर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में समाधिस्थ शपक मुनिराज, मेरुभूषण जी महाराज और समाधिस्थ कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी को समर्पित विनयांजलि सभा आयोजित की गयी। विनयांजलि सभा में नगर का जैन समाज बड़ी संख्या में उपस्थित रहा, जहां सभी ने शब्दों और भावों के साथ दोनों संतों को विनयांजलि दी। विनयांजलि सभा में आए गुरु भक्तों ने समाधिस्थ संतों के प्रति अपने भाव शब्दों में कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हमारे आगरा के वह जन्मे और ग्रस्त जीवन से लेकर और संत जीवन उनकी एक खुली किताब के रूप में रही, और जिस प्रकार से उन्होंने पारिवारिक जीवन में भी रहकर एक क्रांतिकारी रूप से काम किए, जनहित के मुद्दों को उठाने का काम किया, वो हम सबको प्रेरणा देने का काम करते हैं। और कट्टी खानों के बहुत विरोधी थे, पशु हत्या के बहुत विरोधी थे, और उसके लिए महावीर जयंती के अवसर पर शासन का आदेश था कि महावीर जयंती के अवसर पर सभी कट्टी खाने मांस की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन खुला करते थे। और उसके विरोध में आए जब मेरे मैं उनके उन पर आशीर्वाद के लिए गया, तो उन्होंने कहा नवीन कि महावीर जयंती के अवसर पर एक भी मांस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, इसके लिए कुछ भी करें। हमने एक 401 लोगों की नौजवानों की टीम बनाई। हमारे आगरा के महान संत आचार्य मेरुभूषण महाराज की सम्मेत शिखर जी में संलेखना पूर्वक उत्कृष्ट समाधि संपन्न हुई। वो आगरा के लाल थे, उनका पूरा जीवन सांसारिक जीवन आगरा के अंदर व्यतीत हुआ। उन्होंने आगरा में सांसारिक जीवन में रहते हुए बहुत समाज सेवा का कार्य किया, बहुत संघर्ष किए, बहुत असामाजिकता के खिलाफ बहुत उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और कई बार उन्हें जो बलि प्रथा है उसके विरोध में आंदोलन उन्होंने खड़े किए। बहुत ही उनका पूरा जीवन क्रांतिकारी जीवन रहा। आज यहाँ विनयांजलि सभा हो रही है परम पूज्य आचार्य मेरुभूषण जी महाराज, जिन्होंने आगरा से गहरा नाता था, बलि प्रथा विरोधी, आगरा गौरव और गिरनार आंदोलन प्रवर्तक थे। उन्होंने बहुत ही कठोर साधना के साथ में अपनी लक्ष्य को समाधि मरण को पूरा किया है। पंचम काल में चतुर्थ काल की समाधि देखने को मैं मिली साक्षात रूप से, और चारुकीर्ति महाराज की जो सूचना प्राप्त हुई है उसे पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त है। मैं दोनों को विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। आचार्य शांति सागर जी के बाद जिस प्रकार से समाधि मरण की जो तरीका है, यम संलेखना लेकर 36 दिन का यम संलेखना ली, इन्होंने 37 दिन ली, और जिस प्रकार से प्राण त्यागे जाते हैं, मृत्यु को वरण किया जाता है, वो करके दिखाया आचार्य मेरुभूषण जी महाराज ने। प्रमुख जो आज की विनयांजलि सभा का मुद्दा था, जो एक बड़ी घटना पूरे भारत की जैन समाज के मध्य हुई है, वो है चारुकीर्ति जी स्वस्ति चारुकीर्ति जी भट्टारक जी का अभाव। सडनली जिस तरह से उनकी समाधि हो गई परसों सुबह, बहुत ही दुखद घटना हुई। और चारुकीर्ति जी को कहा जा सकता है मॉडर्न विजनरी। दोनों ही संतों का यूं चले जाना समूचे विश्व के जैन समाज के लिए वज्रपात से कम नहीं है। आगरा दिगंबर जैन परिषद, श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति और आगरा के सकल जैन समाज ने आज दोनों संतों को भावभीनी विनयांजलि दी। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।